चलिए जी, नमाज़ का टाइम हो रहा है, चलते हैं हरम की तरफ। लिफ्ट, अब तक का एक्सपीरियंस ले मेरिटन टावर का, आई वुड से 9 out of 10, ऑल थिंग्स अप टू द मार्क। लॉबी फ्लोर की, आई होप आगे के एक्सपीरियंस भी हमारे अच्छे होंगे। लिफ्ट इज़ हियर, कोई भी नहीं है लिफ्ट खाली। लेट्स गो टू द ग्राउंड। इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब जिस मकसद के लिए हम निकले हैं वो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हॉस्पिटैलिटी के हवाले से तो इनकी जो रैंकिंग है हमारी, मेरी अपनी वर्क की नज़र में, वो 9 out of 10 है, 9.5 out of 10 है। बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन टू हरम, क्योंकि हरम से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और देखने हैं कि यहाँ की शटल किस तरह काम करती है, मेरिटन की कितनी अवेलेबिलिटी है शटल की, शटलियाँ मौजूद हैं। चलते हैं, इस वक्त टाइम हो रहा है 7:15 लोकल टाइम के हिसाब से, 7:15 हो रहे हैं, और ये दल्ला की बस है, बस हरम लेके जाने वाली है। सवार हो जाते हैं बस में, देखते हैं शटल कितनी देर में कहाँ पहुँचाती है। लकीली एक सीट अवेलेबल। इस वक्त देख सकते हैं नमाज का टाइम है, शटल फिलहाल चलते हुए, इस वक्त ईशा की नमाज का वक्त है, बिजी टाइम है, और इंशाल्लाह शटल सर्विसेज से उतरने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये मैं सुरक्षित में सवार हूँ, याद रहे ये एक नाइट मेरिडियन टावर्स में रुकने का मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने आजियों को बता सकें कि मेरिडियन टावर्स की सर्विसेज कैसी हैं, और कभी आपको मौका मिले मेरिडियन टावर में रुकने का तो फिर आपका इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि डिसाइड करना कि क्या मेरिडियन टावर्स में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आम तासर ये है कि शटल सर्विसेज वालों में जितनी भी होटलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को पैदल चलना पड़ता है या लोगों को परेशानी होती है, बट अली मेरिडियन की कुछ ख़ास चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं कि ये इस मसले को किस हद तक हल कर पाएँ अली मेरिडियन टावर्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये नाज़रीन बस चलने को है, मैं टाइम देखना चाह रहा हूँ, टाइम हो रहा है 7:13 का टाइम हो रहा है, 7:13 और ये दिल्ली मेरिडियन टावर्स 7:13 राइट, 7:13 ये बस चली। हमें ड्रॉप करती है,
ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर बस में जितने भी ज़ायरीन हैं उनमें से मुझे पाकिस्तानी कोई भी नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, ये सारे इजिप्ट, यूरोप या दूसरी साइडों से आए हुए ज़ायरीन हैं। बस में सवार हुए 2 मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत ये बस कम से कम तय करती है। पूरी कंप्लीट वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप तमाम हज़रात को इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि लिमेरिडियन टावर की ये बस शटल बस सर्विस आपको कहाँ पर उतारेगी, वहाँ से हरम कितना पैदल चलना पड़ता है आपको, और जो है क्या ये एक अच्छा फिजिबल ऑप्शन है या नहीं है। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम बाहर। ये हम यहाँ से उतरते हुए बस ने मुझे उतारा, और जनाब ये देखिए मैं हूँ बिल्कुल क्लॉक टावर के बिल्कुल अकब में, क्लॉक टावर मेरे बिल्कुल पीछे है, और यहाँ से जितने भी हाजी क्लॉक टावर के अंदर से होते हुए जाएंगे, ये आपको सामने पीछे सारा रैम खलील नज़र आ रहा है जहाँ पर इसलिए सारे लोग होते हैं, जिसमें आपको गुड्स इमार सुल्तान नज़र आ रहा है और आपको औलियान अल हरम नज़र आ रही है, बेती नज़र आ रही है, ये सारी होटलें सामने नज़र आ रही हैं। चलें फिर इसमें मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कितना चलना है। सारा रास्ता हरम को जाते हुए शटल लिमेरिडियन की 24/7 24 घंटे चलती रहती है, और नाजरीन ये आप देखें आप हरम की पार्किंग की तरफ आ रहे हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम की पार्किंग में हैं, और अगर देखा जाए तो इसमें कितनी वॉक है ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ एग्जैक्टली, मिनट टू मिनट या स्टेप टू स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भी थोड़ी बहुत वेरिएशन भी हो सकती है, मगर आप अगर चाहें तो ये वीडियो उसकी शाहिद रहेगी कि ये फ़ासला कितने मिनटों में तय हुआ है। ये आप देख सकते हैं हम हरम की पार्किंग में हैं। ये हरम की वो पार्किंग है जहाँ ज़्यादातर टैक्सीज आती हैं और नीचे हाजियों को छोड़कर चली जाती हैं, और यहाँ से एस्केलेटर ले के हाजी सीधा हरम के सहन में उतरते हैं। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद इतने भी हमारे उम्रा ज़ायरीन हैं जो आ चुके हैं जो आने वाले हैं, उनको ये चीज़ बतानी है कि शटल सर्विसेज में भी अच्छे ऑप्शंस अच्छे रेट पे मौजूद हैं, आप अगर चाहें तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सीधा पे रही हम तक पहुँचे उनकी, ये देखें स्विस होटल, स्विस स्टाइल की एंट्री, ये रेफल्स मक्का की एंट्री। सो मैं इस वक्त बिल्कुल अबराज अल बैत के नीचे हूँ, ये नाजरीन आपको हरम नज़र आता हुआ। अगर आप एस्केलेटर से जाना चाहते हैं तो यहाँ एस्केलेटर हाजियों को लेके जा रहा है, अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो ये सीढ़ियों का ऑप्शन है, मैं प्रेफर करूँगा सीढ़ियों से जाना, तो मैं ये सीढ़ियों
सीढ़ियों का ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये देखें ना, सीता हरम के सहन में अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, सुंदर ये लीजिए नाजरी, ज़बरदस्त। पूरे 4 मिनट की पैदल वॉक, 4 मिनट मैंने वॉक किया है और मैं हरम के सहन में हूँ। अब मैं जहाँ चाहूँ नमाज़ अदा कर लूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे शक्ल ने उतारा है। इंशाल्लाह नमाज से वापसी पे जाते वक्त शटल सर्विसेज का मुआयना करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।